हमारे पास जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल गिवन है इसमें हमारे पास सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसलिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है। रिंग टाइप स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन देखेंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर निगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर निगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है देखो बताओ, हमारे पास यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं हमारे पास यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आपसे इस तरीके से स्ट्रक्चर देखिए ये बोल दिया जाए कि यहाँ पे बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे 2 नहीं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 2 निगेटिव चार्ज है ये भी तो कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं, तो ये कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, क्योंकि 6 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास मॉलिक्यूल एरोमेटिक है।